खबर बिलासपुर से है, जहां पर पति पत्नी की खुदकुशी से सनसनी फैल गई। मृतक दंपत्ति के घर में अपहरण का आरोपी किशोरी को लेकर कुछ दिन पहले आया था, जिसके बाद बयान के लिए दंपत्ति को पुलिस ने बुलवाया था। पकड़े और जेल जाने के डर से उसने पत्नी के साथ खुदकुशी कर ली। तोरवा पुलिस के अनुसार दुमुहानी निवासी अमन साहू पत्नी श्रुति अंचल साहू के साथ रहता था। 17 जुलाई को थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक ने किशोरी का अपहरण किया था। किशोरी को वो 5 दिनों तक अमन के घर पर रखा था। मंगलवार को पुलिस ने किशोरी के अपहरण के आरोपी को पकड़ा था। पूछताछ में आरोपी ने किशोरी को अमन साहू के घर पर किशोरी के साथ 5 दिनों तक रहने का खुलासा किया था। दर्ज किया था, नाबालिग बालिका थी, इसको पुलिस ने दुर्ग से पकड़ के लाया। जांच पे पता चला, बयान जब उन्होंने दिया कि 2 दिन ये तोरवा क्षेत्र पे है, उनके यहाँ रुके हुए थे, उनको संपर्क जब बुलाया गया तो नेक्स्ट डे उन्होंने पति पत्नी ने फांसी लगा लिया। वजह भी पुलिस तलाश कर रही है, आजू बाजू पुलिस पूछा जा रहा है।